सेंसर नंबर टू मार्जिन एरिया डिसेंडिंग इन टू स्लीप, कि जिस वक्त हम लोग क्या करते हैं सोने जा रहे होते हैं, डिसेंडिंग व्हेन वी आर फॉलिंग इन टू द वैली ऑफ स्लीप, एज नाइट फॉल्स, एज व्हेन द नाइट लिफ्ट फॉल्स पास्ट अ ब्रिलियंट फ्लोर. तो क्या होता है, एज व्हेन द नाइट लिफ्ट फॉल्स, के जो ही फॉल ऑफ नाइट होता है कलरफुल डाइनलाइटेड और पूरी तरह से ब्रिलियंट फ्लोर ड्रीम्स, वी सी अ सुपर्ब सीनरी एंड हियर अ परफेक्ट म्यूजिक, हमें एक बड़ा शानदार जो है वो क्या होता है डेकोर, एंड हियर वी ग्लिम्प्स अ सबलाइम डेकोर, हमें नजारा नजर आता है शानदार डेकोर, एंड हियर परहैप्स अ कंप्लीट म्यूजिक, एक बड़ा जबरदस्त म्यूजिक जो हमारे कानों में रस बोल रहा होता है. और बट दिस अवेड अस एज इन द नाइट मीडोस, लेकिन ये जो चीज है इट अवर्ड्स अस, ये हमारे फेस को अवॉइड करती है जब हम लोग when we hear that in the meadows at night the crickets sing in many folded voices, जो crickets हैं, crickets ये मतलब छोटे छोटे जो झेंगे जो हैं वो घास के अंदर जो है वो मुख्तलिफ आवाजें निकाल देते हैं. Million round song dies away from all advances rising in every distance. उनकी आवाजें जो हैं वो आगे बढ़ती तो हैं और आवाज बढ़ती भी है और फॉल भी कर रही होती. अब जब हम लोग इस स्टेंजे को जो है वो एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलरली, तो हम जो है वो इस बात को जो है वो देखते हैं कि किस तरह से इंसान जो है वो नींद की वादी के अंदर जो है वो जा रहा होता है, वहां पर भी हमें इसी तर्ज के एक जो है वो किसका सामना करना पड़ता है, एक तरह से मार्जिन का सामना करना पड़ता है. ये जो आपका नेक्स्ट सेंजा है वो कहता है कि ये मार्जिन जो है वो नींद के अंदर भी इन्वॉल्व है और ये फॉलिंग स्लीप का जो एक्सपीरियंस है वो मेटाफोरिकली और मेंटली हमें बता रहा है कि ऑफ द फ्लोर एंड इनटू द नाइट, के हम जब लोग सो रहे होते हैं और ये जो ट्रांजिशन है जब हम लोग जागने से नींद की हालत में जा रहे होते हैं और वो क्या होता है कि ब्रिंग्स वन आउट ऑफ देयर मेन लाइफ, और ये जो न्यू स्टेट है ये बहुत ही शानदार है, अ लाइफ विद ग्रैंडियर. चूंकि असल में जो मार्जिन है जो आपके सोने का और आपके मतलब जो है वो जागने का, ये जो मार्जिन है जिसको आप हनूदगी की हालत कहते हो, जब तक आप आंखें नहीं बंद करोगे यू कैन नॉट fall into the valley of sleep and you can say dream higher. अगर आप higher dreams की तरफ जाना चाहते हैं, आप नींद के अंदर soothing and peaceful dreams की तरफ जाना चाहते हैं, then there is need कि आपको क्या हो कि you must enter into the valley of sleep. तो फिर जो है जब एक शख्स नींद में चला जाता है तो तब वो ड्रीम करता है और उनसे एंड बी अमेज्ड बाय देम, कि शायद वो तमाम चीजें जो हम जाहरी हालत में आंखों देखी हालत में हम शायद ना देख सकें, लेकिन ये क्रेडिट फिर उस मार्जिनल मतलब फेज को जाएगा जो हमें किस तरफ लेकर गया, इन द वैली ऑफ स्लीप. तो
तो ये मतलब इस तरह से हम इसको फर्दर इसको एलैबोरेट कर सकते हैं. देन द क्रेडिट गोज कि जिस तरह से पौंड के नीचे एक दुनिया आबाद है और पौंड की सतह के ऊपर एक दुनिया आबाद है, ऐसे ही सोते और जागने की हालत में भी एक एक दुनिया जो है वो हमारे सामने आबाद, ये एक एक दुनिया जो है वो हमारे सामने जो है वो एग्जिस्ट कर रही है. और ये फिर क्रेडिट उसी मतलब जो है वो प्रेशर को जाएगा, उसी एग्जर्शन को जाएगा जो हमें जागने से किस तरफ लेके जा रहा है, इन द वैली ऑफ स्लीप. और इट इज वाइल स्लीप के सोते हुए आप कंप्लीट म्यूजिक कंप्लीट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. और वन इज एबल टू सी ऑल ऑफ देयर लाइफ कि एक बंदा जो है वो इस काबल होता है कि वो अपनी जिंदगी को जो है वो क्या कर सके, टू सी ऑल ऑफ देयर लाइफ, नॉट जस्ट सेंट्रल पार्ट्स अराउंड विच अ डे रिवॉल्व्स. कि उस साइड पे नहीं कि जिसके ऊपर मतलब जो है वो एक दिन रिवॉल्व होता है. दे कैन कंप्रीहेंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट इन द सॉन्ग, वो इस तमाम चीज को कंप्रीहेंड कर सकते हैं एक मतलब जो है वो इंस्ट्रूमेंट इन अ सॉन्ग एंड हियर देयर इंडिविजुअल पार्ट्स. और वो अपने मतलब जो है वो इंडिविजुअल पार्ट्स को मतलब जो है वो हियर कर सकते हैं, मेन मेलोडी के साथ नहीं, उनको अपनी अहमियत का जो है वो अंदाजा होता. पोस्ट जो कंप्लीट म्यूजिक का जो लेयर है, जैसा कि मैं आपके साथ ये बता भी रहा था कि वी ग्लिम्प्स अ सबलाइम डेकोर एंड हियर परहैप्स अ कंप्लीट म्यूजिक. ये कब आपको कंप्लीट म्यूजिक नजर आएगा, कब आपको ये कंप्लीट पिक्चर नजर आएगी, देन यू आर स्टैंडिंग एट द मार्जिन, जब आप मार्जिन के ऊपर स्टैंड कर रहे होंगे और मार्जिन जब अपनी अपने आप को एक्सर्ट कर रहे होंगे. और जब मार्जिन जो है वो अब क्या होगा कि जो ही आप नींद की वादी में दाखिल हुए, योर ड्रीम्स विल ऑक्यूपाई यू, आपके ड्रीम्स आपको ऑक्यूपाई कर जाएंगे. बट दिस अवेट्स अस as in the night meadows the crickets million round songs dies away. ke jo million round songs hai wo kaise they pass away, they dies away and from all advances rising in every distance. to phir ye music jo hai wo ek side se nahi aa raha hota, phir ye music jo hai wo mukhtalif sideon se aa raha hota hai. bahar ki duniya abhi bhi aapko khench rahi hoti hai, लेकिन चूंकि वो जो नींद का मार्जिन है वो इतना प्रेशराइज कर चुका होता है आपको कि आप नींद की वादी में जाए बगैर नहीं रह सकते. तो फिर एक तरह से योर स्लीप इज अ ब्लेसिंग फॉर यू. और यहां पर भी क्रेडिट उसी गलूदगी को जाएगा, उसी मार्जिन को जाएगा कि जिसने आपको नींद की वादी में क्या कर दिया है, वो धकेल दिया, आपको जिसने नींद के अंदर डाल दिया है, जहां से आप एक नई लाइफ को इमर्ज कर रहे हैं, जहां आप एक नया मतलब जो है वो लाइफ से इस्तफादा कर रहे हो, विच यू नेवर एक्सपीरियंस अर्लियर, जो आपने इससे कबल पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. यू आर एक्सपीरियंस लाइफ एट अ टाइम. एंड फिर यहां पर क्रेडिट जो है वो किसके पास होगा, मार्जिन के पास, कि इसी मार्जिन ने आपको एक नई जिंदगी से एक नई लाइफ से रूशनास करा. नेक्स्ट वो कहता है कि आर रिचेज आर सेंट्रीफ्यूगल. बड़ी मतलब बात की है सेंट्रीफ्यूगल, कि हम लोग जो हैं वो हमारी जो जो क्वालिटीज हैं आर रिचेज. ही सेज कि हमारा जो सारे का सारा जो दारोमदार है वो सारे का सारा सेंट्रीफ्यूगल है. आर रिचेस आर क्वालिटीज आर सेंट्रीफ्यूगल. मैन कंपोज सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है जो सेंटर से मरकज से दूर भागती है और वो एजेस की तरफ आती है. तो हमारा वो कहता है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो क्या है, सेंट्रीपीटल नहीं है. सेंट्रीफ्यूगल का उल्ट क्या होता है, सेंट्रीपीटल.
तो ये सेंट्रीपेटल नहीं है बल्कि ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है. मैन कंपोज डेली अनविटिंगली देयर फाइनल ड्रीम्स. इंसान जो है वो क्या करता है, मैन कंपोज. हम जो लोग हैं हम हर रोज अपनी नई ख्वाहिशात बनाते हैं. वी अरेंज आवर डिजायर्स एवरी डे अननोइंगली. हमें हमारी ख्वाहिशात का मतलब जो है वो अंदाजा नहीं होता. वी ई कैन से मेक वी अरेंज आवर डिजायर्स एवरी डे अननोइंगली. और ये ड्रीम्स जो हैं वो क्या होते हैं, एंड दोज आर आवर ओन वाइसेस whose remote consummate chorus rides on the whirlpool rings. Okay. And those are our own vices. ये हमारे दिल की आवाज होती है. हम जो ख्वाब बनाते हैं, हम जो ख्वाहिशात बुनते हैं अपनी लाइफ की, हमारी जिंदगी जिन ख्वाहिशात के गिर्द सर्वाइव करती है वो हमारे दिल की आवाज होती है. और उनका रिमोट कहाँ है, whose remote consummate chorus rides on the whirlpool winds. के उनका जो रिमोट है वो कहां पर मौजूद है, whirlpool rim. कि जो ही आप एक whirlpool के अंदर आप मतलब जो है वो जो है वो whirlpool है और उसका जो बाहर वाला सर्कल है, whose remote consummate chorus rides on. ये जो हमारी आवाजें हैं, ये जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो बुनियादी तौर पर उस वेल पूल के गिर्द जो है वो सरवाइव करते हैं. कि जो जो उसका बाहर वाला जो रिम है, पास्ट विच वी फ्लॉग आवर सेल्स, कि जिसके इर्द गिर्द हम अपने क्या करते हैं, सेल्स को घुमा रहे होते हैं. टुवर्ड्स विच वी ड्रिफ्ट प्लेइंग आवर ट्रेड्स In hopes of a good drowning. हमें उम्मीद होती है कि हमारा जो अंजाम है वो बहुत अच्छा होगा. We use our professions to have a good end. हम अपनी skills को, we flag our skills, past which we flag our skills, toward which we drift. और हम जिस तरफ drift कर रहे होते हैं, हम जिस तरफ move कर रहे होते हैं, ताकि हम अपनी skills के जरिए हम अपना अंजाम जो है वो अच्छा कर सकें. मोर और लेस जब हम लोग इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इस मतलब स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें ये बात भी यहां पर नजर आती है कि किस तरह से जो एजेस हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी किस तरह से जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो कैसे हमें मुसलसल जो है वो इंगेज करके रखते हैं. और हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मतलब जो है वो उन एजेस से मतलब जो है वो जो है वो बाहर निकल सके. अब ये जो थीम है इस पर्टिकुलर हिस्से का, कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो हमें क्या कर रही हैं, दे आर जस्ट कीपिंग अस बिजी. टफ शेड्यूल ऑफ लाइफ, हमारी डिजायर्स, हमारी होप्स, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं वो बुनियादी तौर पर फाइंड देयर वे इन आवर ड्रीम्स. और हम अपने ड्रीम्स के अंदर द सेंस ऑफ वेरी वेरी प्रेजेंस, हम अपने ड्रीम्स में, ड्रीम में भी हमें वही बात दिखाई देती है जो हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं. और विच क्लियरली डिस्क्राइब द फैक्ट दैट हायर वी असेंड द स्टेप्स ऑफ इमेजिनेशन विल फाइंड रियलिटी इन द एजेस नॉट द सेंटर. हम लोग क्या करेंगे, फाइंड रियलिटी, हम मतलब जो वो हकीकत को पा लेंगे एट द एजेस नॉट द सेंटर. एजेस पर, मरकज पर नहीं पाएंगे. सो ये एक बात तयशुदा है कि अगर इन लाइनों को भी हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करें जो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं, कि आर रिचेज आर सेंट्रीफ्यूगल, हमारी तमाम तर क्वालिटीज जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल, और फिर हमारे जो तमाम तर ड्रीम्स हैं वो भी फिर कभी सेंटर में नहीं होंगे. हमारी तमाम तर एक्टिविटीज जो हैं वो मोर और लेस उस बेल पूल के इर्द गिर्द जो है वो सरवाइव करती है, ताकि जब हम लोग उस नींद की वादी में जाएं जो 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 हमें हमारे ड्रीम दिखा रहा है, तो हमारे पास हमारे अच्छे ख्वाब जो हैं वो मौजूद होने चाहिए. हमें किसी मतलब जो है वो सामना ना करना पड़े किसी बुरे ख्वाब का,
हमें सामना ना करना पड़े किसी ऐसी हालत का। ये स्टैंजा डायरेक्टली लिंक्ड है पिछले स्टैंजे के साथ कि कंसोमेट कोरस राइड्स ऑन द वेल पूल रिम्स, कि जो वेल पूल के जो एजेस हैं, जो उसका रिम है, जो उसका सर्कल है, ये उसके इर्द गिर्द मतलब जो वो हमारा कोरस जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है। हमारा जो सॉन्ग है जो हमें मतलब अट्रैक्ट करता है, कंसोमेट कोरस राइड्स ऑन द वेल पूल रिम्स पास विच वी फ्लॉग आवर सेल्स, और हम उस मतलब जो है वो अपने सेल्स को उसके इर्द गिर्द कहीं घुमा रहे होते हैं। यानी हमारी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो नेचुरली सेंटर की तरफ तो होती है कि जहां हमारा अंजाम होना है। ये बात याद रखिएगा कि बिल्कुल हमेशा जहां पानी गहरा होता है वहां पर होता है, हमारी सारी कंसंट्रेशन उस बिल्कुल की तरफ होती है। लेकिन हम जितनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, हम इस तरह से उस बिल्कुल के गिर्द मतलब अपने आप को घुमा रहे होते हैं ताकि अगर हम लोग मतलब उस व्हील पूल में जाएं भी तो हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ और परेशानी का सामना ना करना पड़े, हम लोग इजीली मतलब जब उसके अंदर चले जाएं। तो मोर और लेस हमारा जो अंजाम है वो बखैर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मतलब जो है वो एक बात है कि जो लास्ट स्टैंजा है दैट इज द मेन यू कैन से एक्सप्रेसिंग द फिलोसफी ऑफ विल्बर, कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी को एजेस पर गुजार कर फाइनली फिर जो है वो मौत को जो है वो गले लगा लेते हैं। हम मतलब जो है वो एक अच्छी उम्मीद के साथ है कि हमारा अंजाम जो है वो बखैर होगा। हम कितनी ही उम्मीदें और ख्वाहिशें जो है वो अपने साथ रखते हैं और वो जो फाइनल ड्रीम्स हैं वो हमारी ये कैन से हमारे दिल की आवाजें होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो फुलफिल हो जाए। तो मोर आर लेस मार्जिनेलिया असल में उन मार्जिन की तरफ इशारा कर रहा है कि जिनका सामना हमें अपनी जिंदगी में करना पड़ता है और हम चाहते हैं कि जनाब ये मार्जिन जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर मुसलसल एंगेज होते रहें। ये जो पूरी पोएम है ये मोर और लेस उन मार्जिन को मतलब जब एक्सप्रेस कर रही है जो और हाईली फिलोसॉफिकल टोन के अंदर कि मार्जिन की अहमियत क्या है जिंदगी के अंदर, और ये मार्जिन जो हैं वो हम सारी जिंदगी मार्जिन पर ही गुजारते हैं और हमें मार्जिन पर ही गुजारनी चाहिए। और फाइनली नो डाउट अंजाम जो है वो सेंटर की तरफ होगा जहां पर सब लोग एक मेन सेंटर की तरफ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली जितनी जिंदगी है वो सारी की सारी कहां पर रहनी चाहिए, एट द मार्क।